नमस्कार दोस्तों, लव भारती ऑटो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज फिर हम आए हैं आपके लिए एक नई गाड़ी लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं, पावरफुल एसयूवी LC 300 जो है कि 2023 लैंड क्रूजर आप देख रहे हैं। और गाड़ी का आपको पता ही है, जितना बोले उतना कम है गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नज़र आने वाले हैं LC 300 के साथ। और साथ में आप देख सकते हैं काफ़ी क्रोम का वर्क यहाँ पे फ्रंट लुक में यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रोम की यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रिल यहाँ पे दी हुई है, जो कि एक दो तीन चार ग्रिल यहाँ पे टोयोटा की आपको दी हुई है लैंड क्रूजर के अंदर। और साथ ही आप देख सकते हैं कि 360 व्यू कैमरे के लिए आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको यहाँ पे LED फॉग लैंप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और हेडलाइट जो वॉशर यहाँ पे होता है, हेडलाइट वॉशर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि वॉशर को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका जो फ्रंट हेडलैम्प है यहाँ से आपका वॉश भी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक यहाँ पे टोयोटा ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है LC 300 का। और इसी के साथ आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल से मैं। तो साइड प्रोफाइल में आप देखना चाहेंगे कि साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 20 इंच का आपको मशीन का अलॉय व्हील यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइज यहाँ पे टोयोटा ने दिया हुआ है। और साइड प्रोफाइल से अगर बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी रहने वाली है गाड़ी की। और बताना चाहूँगा आपको, जो LC 300 जो पहले आती थी उसके अकॉर्डिंग और अभी के अकॉर्डिंग जो बताना चाहूँगा कि जो पहले 7 सीटर में आती थी और अभी जो LC 300 जो आपको 5 सीटर में देखने को लिए नज़र आने वाली है। और आप देख सकते हैं ORVM के ऊपर भी आपको यहाँ पे क्रोम बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा यूनिक स्टाइल के अंदर यहाँ पे ORVM दिया हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे यूनिक स्टाइल में दिया हुआ है। और साथ ही आप देखेंगे कि इसमें पार्किंग जो कीलेस एंट्री है वो भी आपको बटन की जगह आपको सेंसर यहाँ पे यूज़ करने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया हुआ है नए ऑप्शन के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप। और साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको रूफ रेल भी आपको देखने को नज़र आ जाएगी, जो कि इनोवा फॉर्च्यूनर के अंदर आप ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। और इसमें जो नई चीज़ है आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो आपको जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, ये लाइनिंग जो है आप देख सकते हैं, जो FM एंटीना जो होता है, ये एक डिजिटल एंटीना यहाँ पे लैंड क्रूजर 300 के यहाँ अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक आपको पता ही होगा कि जो मोस्टली जो एंटीना आता है वो रूफ़ के ऊपर आता है। तो रूफ़ के ऊपर इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी एंटीना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसमें एक डिजिटल एंटीना यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक ग्लास फिटेड एंटीना यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओवरव्यू आप देखेंगे तो गाड़ी जितनी तारीफ की जाए गाड़ी की उतनी कम है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे देने वाली है गाड़ी। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं गाड़ी के कुछ खास फीचर और गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। वीडियो पे प्लीज़ बने रहिए, वीडियो को हमारा पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फाइनली हम बैठ चुके हैं टोयोटा लैंड क्रूजर 2023 के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, लैंड क्रूजर का जो इंटीरियर आपको देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्रीम कलर के अंदर, काफ़ी स्लिक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो डैशबोर्ड का जो कम्युनिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक एंड क्रीम कलर के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो म्यूजिक सिस्टम है वो म्यूजिक सिस्टम आपको कुछ ऐसा नज़र आने वाला है लैंड क्रूजर 300 2023 के अंदर। और साथ ही आप देख सकते हैं AC कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी अच्छा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। और गाड़ी का जो पुश बटन स्टार्ट है आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही आप देखेंगे कि इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है वो JBL का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे साउंड के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो गियर नॉब है वो काफ़ी स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को नज़र आ रहा है। गियर नॉब काफ़ी छोटा स्मॉल साइज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप देखेंगे साइड में आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। और अभी जो देख सकते हैं कि जो गाड़ी में 4x4 और 4x2 का जो ऑप्शन आता था पहले, जैसे फॉर्च्यूनर में आप देख सकते हैं कि नो पाती थी, अभी जो 4x4 और 4x4 आप देख सकते हैं 4x2 करने के लिए, जैसे H4 उस L4 आपको करना है तो आपको यहाँ से इसको अप एंड डाउन करना पड़ेगा। और साथ ही आप देख सकते हैं डिफरेंशियल लॉक का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो हैंड ब्रेक जो यहाँ पे पार्किंग दिया हुआ है, होल्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कप होल्डर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम स्मूथ अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं आर्म रेस्ट यहाँ पे क्रीम कलर का लेदर फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है। और इसी के नीचे आप देखते हैं तो
इसमें आपको कूल्ड बॉक्स भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लो बॉक्स देखने को मिलेगा। ये भी अच्छा काफ़ी फ्रिज टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और साथ ही आपको दोस्तों दिखाना चाहूँगा कि गाड़ी के स्टेयरिंग के ऊपर आप कंट्रोल देख सकते हैं, क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल, MID कंट्रोल, आपको सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी की जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे आपको रहने वाली हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और रियर सीट, आपको दोनों वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेगी। और इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो गाड़ी के अंदर सनरूफ है, सनरूफ काफ़ी अच्छा प्रीमियम सनरूफ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको मैं खोल के दिखाना चाहूँगा कि जो सनरूफ का साइज़ है वो साइज़ अपना इतना रहने वाला है। ये फुल पैनानोमिक सनरूफ लैंड क्रूजर में आपको देखने को नहीं मिलता है और काफ़ी अच्छा है ये भी। आराम से आप खड़े हो सकते हैं और बाहर के वातावरण का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंटीरियर लैंड क्रूजर 2023 में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों चलते हैं रियर सीट के ऊपर। तो रियर सीट के ऊपर बैठे के बाद आपको पता चलेगा कि गाड़ी में कितना स्पेस है। स्पेस के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों रियर सीट पे आप देख सकते हैं AC वेंट का जो कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि रियर AC वेंट के लिए आपको टेम्परेचर भी यहीं से आप सेट कर सकते हो और यहीं से आप डाउन कर सकते हो, ब्लोअर स्पीड आप कर सकते हो। सीट्स की जो वेंटिलेटेड सीट्स है यहाँ पे उसका भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि नीचे चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि जो ईयरफोन लगाने के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। ये USB सॉकेट आपको मिल जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में भी आप ईयरफोन लगाने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि रियर सीट पे आपको मिलती है सोनी की आपको यहाँ पे LED यहाँ पे नज़र आने वाली है। रियर सीट दोनों पे आपको आप देख सकते हैं कि LED आपको यहाँ पे देखने के लिए, जो आपको काफ़ी इंटरटेन करके आपका इंटरटेन सफ़र आपको बनाने वाली है। और रियर सीट्स जो है वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें वेंटिलेटेड रियर सीट रहने वाली हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम कंफर्टेबल जोन में आप अपनी जर्नी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हैं रीडिंग लैंप जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एक काफ़ी अच्छे यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यूनिक। लाइट भी काफ़ी अच्छी इसकी आपको नज़र आने वाली है। और साइड में आप देख सकते हैं AC वेंट, जो आपको रियर AC वेंट है वो गाड़ी में साइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और फ्रंट में आपको पता है फ्रंट में AC वेंट जो आपको सेम उसी जगह मिलेगी जो आपको पहले यहाँ पे इनोवा फॉर्च्यूनर के अंदर आपको देखने को मिलती है, सेम वैसा रहेगा। और रियर सीट में अगर देखते हैं तो बीच में भी आपको AC वेंट मिलेगा एंड साइड में भी आपको AC वेंट यहाँ पे नज़र आने वाला है। और फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर इसमें दोस्तों फ्लोर फ्लैट नहीं मिलने वाला और स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप स्पेस भी देख सकते हैं। और साइड विंडो पे बात करते हैं तो लेदर सॉफ्ट टचिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आप देखते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो है प्योर JBL का म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी प्रीमियम साउंड है गाड़ी की और काफ़ी अच्छा साउंड यहाँ पे रहने वाला है LC 2023 के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हो साइड में आपको लैंड क्रूजर की स्कब प्लेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक स्टील पट्टी के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में आप देख सकते हैं एक काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ यहाँ पे आपको गाड़ी लैंड क्रूजर LC 2023 देखने को मिल जाएगी। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो इसमें लैंड क्रूजर की क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बैजिंग कर रखी है लैंड क्रूजर। और साथ में आप देख सकते हैं कि ZX जो मॉडल है उसका मॉडल का जो नाम यहाँ पे है वो भी क्रोम के साथ आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कब प्लेट जो है अपने लैगेज वगैरह को रखने के लिए यहाँ पे आप दी हुई है। तो दोस्तों बूट ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें जो बूट्स है वो पावर डोर के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा, पावर डोर बूट स्पेस रहेगा यहाँ पे आपका। और आप इसको अनलॉक करने के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो पहले लैंड क्रूजर आती थी उसमें आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिलता था, अब इसमें आप देख सकते हैं कि 5 सीटर ऑप्शन है। और जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है टोयोटा ने। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा बूट स्पेस तो आप मेरे ख्याल से किसी भी गाड़ी के अंदर इतना बूट स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अबे भाई ये क्या है, आप ये देखो ये क्या है, मंजीत सान ये क्या चीज़ है, आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह आप बूट स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो फर्स्ट रो है वो उसको यहाँ से आप एक लेदर का जो रैप लगा हुआ है उसको आप ऊपर बूट रहेगा और इसके नीचे आपको एक अलग बूट मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है LC 2023 का।